गरियाबंद जिले के पूर्व सरपंच व सचिव के द्वारा आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते हुए बिना पंचायत प्रस्ताव व सहमति से राशि के लिए पंचायत से 3,85,000 रुपए का आचार संहिता के समय ट्रांसफर किया गया, जबकि इनका जीएसटी नंबर का लाइसेंस सितंबर 2019 से रिन्यूअल नहीं हुआ था। आम पंचायत चरोदा के पूर्व सरपंच व सचिव के द्वारा आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते हुए बिना पंचायत प्रस्ताव व सहमति से राशि का पंचायत खाते से राशि 3,85,000 रुपए का श्रद्धा ट्रैक्टर्स एवं निषाद कृषि फॉर्म एजेंसी में आचार संहिता के समय ट्रांसफर किया गया था, जबकि इनका जीएसटी नंबर का लाइसेंस सितंबर 2019 से रिन्यूअल ही नहीं हुआ था। वहीं चरोदा पंचायत से 4 फरवरी 2020 को पैसा ट्रांसफर करवाया गया है, जिसके लिए ग्रामीणों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत भी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसकी बारीकी से जांच की जाए। भैया आपका नाम? नागेश। नागेश, आपके बताना चाहेंगे सिलाई रिपोर्ट जो आपका देवी स्थल उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, ये जो गांव की सबसे बड़ी देवी स्थल है जो सिलाई रिपोर्ट है वो, और यहाँ चबूतरा निर्माण करके दर्शाए हैं पंचायत वाले, और अभी तक यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ है, और साथ में जो ये तार घिरा भी हुआ है, लेकिन जांच के हिसाब से देखा जाए तो ये फर्जी तरीके से लगाया गया है, सामान कहीं और से और बिल कहीं और का। जी श्रीमान जी, आपका नाम? इमरान अली। क्या मामला है ये? ये सर गांव का मेन देवी स्थल है, सिलहारी पाट बोलते हैं इनको, यहाँ पे जो है पंचायत द्वारा जो है चबूतरा निर्माण करके दर्शाया गया है, कागजों में जो है चबूतरा निर्माण दिख रहा है, इस पाट में जो है चबूतरा निर्माण हुआ नहीं है। कब का मामला है ये? ये चुनाव के जस्ट 1-2 महीने पहले का मामला है, मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास। जी जी।